नहीं रहेगी नौकरी तो लोग हथियार तो उठाएंगे ही। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। महबूबा मुफ्ती का आरोप, जम्मू के हालात कश्मीर से भी बदतर, जम्मू कश्मीर वासियों की जमीन बेचना चाहती है बीजेपी, कहा जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोगों को दी जा रही है नौकरी। महबूबा मुफ्ती बोली राज्य के हितों की रक्षा के लिए लागू की गई थी धारा 370, इसे खत्म कर अंबेडकर के संविधान को भी किया गया खारिज। जम्मू कश्मीर में बढ़ती ठंड के साथ बदला दरबार, श्रीनगर से जम्मू हुआ राजधानी परिवर्तन। फारूख अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस ने नहीं छोड़ा, गुपकर का साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। फारूख अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर से की मुलाकात का दिया हवाला, कहा कांग्रेस के गुपकर का साथ छोड़ने की फैलाई जा रही अफवाह। ये गलतफहमी आप दूर कीजिए, हम सब इकट्ठे लड़ रहे हैं चुनाव और कांग्रेस उसके साथ है। फारूख अब्दुल्ला बोले मेरी है कामना ज्यादा से ज्यादा भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए ताकि कारोबारियों का चल सके बिजनेस। फारूख अब्दुल्ला ने बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों पर थामी चुप्पी, बोले एग्जिट पोल नहीं रियल नतीजे आने पर दूंगा बयान। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी शिकंजा और कसा, मुंबई के बांद्रा में अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर छापामारी, अंधेरी और खार में भी एनसीबी की टीमें कर रही है छापामारी। दीपिका की पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश से आज फिर से एनसीबी ने की पूछताछ, एनसीबी दफ्तर पहुंची थी करिश्मा। सूत्रों के मुताबिक करिश्मा प्रकाश से एनसीबी ने ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने और से जुड़े सवाल जवाब किए। पत्नी के बाद फिल्म प्रोड्यूसर रोजना डेडवाला तक पहुंची ड्रग्स की आंच, पूछताछ के लिए एनसीबी ने किया तलब। ड्रग्स कनेक्शन में धरी गई फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी, घर से गांजा चरस बरामद, ड्रग केस में कल से अब तक 4 लोग गिरफ्तार। दिवाली से पहले आज पटाखों पर आया एनजीटी कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदूषण के मद्देनजर 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी। दिल्ली में ग्रीन पटाखों समेत नहीं की जा सकेगी किसी भी तरीके के पटाखों की बिक्री, एनजीटी कोर्ट का प्रतिबंध। एनजीटी कोर्ट का फैसला, देश में जहां भी होगा ज्यादा प्रदूषण वहां नहीं फोड़े जा सकेंगे पटाखे। देश में जहां प्रदूषण का स्तर सामान्य होगा दिवाली पर वहीं फोड़े जा सकेंगे पटाखे, लेकिन पटाखे फोड़ने की सिर्फ 2 घंटे की होगी छूट। मुंबई में बीएमसी ने लोगों से दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की, जारी किया सर्कुलर। हरियाणा सरकार का फरमान, दिवाली और गुरुपर्व पर सिर्फ 2 घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखे, नए साल और क्रिसमस पर सिर्फ आधे घंटे पटाखे फोड़ने की आजादी। दिवाली से पहले स्मॉग में घिरी देश की राजधानी दिल्ली, बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के साथ ही नजदीकी इलाके गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में भी स्मॉग का कहर, जहरीली हुई आबोहवा। दिवाली से पहले वाराणसी पुलिस ने अवैध पटाखों के कारोबार पर कसा शिकंजा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के पटाखे सीज, 24 लाख का लगा जुर्माना। यूपी के आजमगढ़ में भी पटाखों के अवैध कारोबार पर कसा शिकंजा, भारी मात्रा में पटाखे सील, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। वोटों की गिनती से पहले तेजस्वी का अपने उम्मीदवारों को संदेश, आखिरी वोट की गिनती तक न छोड़े मतगणना केंद्र। तेजस्वी यादव का जन्मदिन आज, 31 साल के हुए तेजस्वी, जन्मदिन पर पटना में लगा खास पोस्टर, लिखा देश के होने वाले सबसे युवा सीएम। बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को दी बधाई, किया ट्वीट, हैप्पी बर्थडे टू यू। खास बात यह रही कि तेज प्रताप ने अपने ट्वीट के साथ जोड़ा हैप्पी बर्थडे सीएम तेजस्वी का हैशटैग। तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देने वालों का लगातार था, बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचे। अपने जन्मदिन पर तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को सादगी का दिया संदेश, जश्न और जुलूस से दूर रहने की सलाह। जन्मदिन पर पटना में तेजस्वी के घर पहुंचे समर्थक, महागठबंधन की सरकार की उम्मीद का दिखा उत्साह। पटना में गुब्बारों के साथ तेजस्वी का जन्मदिन मनाने पहुंचे आरजेडी के धुर समर्थक वीरेंद्र, लालू के का जिक्र आने पर निकले आंसू, लेकिन नहीं भूले लालू की मिमिक्री। और हमने कहा कि करिया भैंस के उजर दही आ जबले जी ही लालू रहे, हम बराबर। तेजस्वी के जन्मदिन पर आनंद सिंह के घर पर 10,000 लोगों के भोजन का इंतजाम। जीत के अनुमानों के बीच तेजस्वी यादव ने भी बनाई मीडिया से दूरी, कहा नतीजे आने के बाद ही होगी बात।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज 36 परियोजना को लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। 614 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। काशी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 220 करोड़ की लागत वाली 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी इस गति के लिए सीएम योगी को सराह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा घाटों की स्वच्छता और वाराणसी में सौंदर्यीकरण को सराहा। कहा, सारनाथ में नए बिजली सिस्टम से बढ़ेगी सुंदरता, जनता से किया संवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बिजली के तारों के जाल को खत्म करने का उठाया बीड़ा। 7 सड़कों पर तारों का जाल खत्म होने की दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का दिया हवाला। सूरत में चांदी से तोले गए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल। जैन समाज ने चांदी की ईंटों से की तोला। 96 किलो के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को 101 किलो चांदी से तोला गया। भरतपुर में गुर्जर समाज से जुड़े पंचों ने किरोड़ी सिंह बैंसला पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के निजी स्वार्थ में आंदोलन को दे रहे हवा। आज सुबह भारी उछाल के साथ खुला सेंसेक्स 547 अंकों की बढ़त के साथ 42,000 के पार पहुंचा। निफ्टी में भी दिखा उछाल 163 अंकों के उछाल के साथ 12,000 के पार। बागपत में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। मृतकों में 2 सगे भाई शामिल। शादी समारोह से लौट रहे थे कार सवार, इसी दौरान तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। राजस्थान के बाड़मेर में दहेज के लिए बहू की हत्या। पिता ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया। बिहार के औरंगाबाद में भाड़ा मांगने पर ऑटो वालों की पीट पीट कर हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में हैरान करने वाली वारदात। रेप के आरोपी ने लड़की वालों को बचाने के लिए कर दी अपने भाई की हत्या। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के जल संसाधन और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने डूंगरपुर में देखा वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। बोले, दिल्ली को जल संकट से बचाने के लिए ऐसा प्लांट लगाएंगे। मुरादाबाद में हुई 14 साल की मासूम की हत्या में पुलिस का खुलासा। रेप के आरोपी के भाई ने की थी चचेरे भाई की हत्या। पुलिस के मुताबिक रेप पीड़िता के परिजनों को हत्या के केस में फंसाकर रेप केस में समझौता कराना चाहता था आरोपी। शिवपुरी में दरोगा पर नशे में हंगामा करने का आरोप। सरपंच को किया बेइज्जत। मध्य प्रदेश के सिवनी में बिजली बिल पर 39,000 रुपए बकाया वसूलने पहुंचे कर्मचारी पर हमला। हमले में एक महिला कर्मचारी सहित 3 लाइनमैन घायल। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में प्रशासन ने सुगम स्वास्थ्य दंतेवाड़ा योजना की शुरुआत की। हैदराबाद में 19 साल की छात्रा ने की खुदकुशी। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ती थी लड़की। यूपी के बरेली में फिर सामने आया 3 तलाक का मामला। पत्नी करती रही फरियाद, पति ने फोन पर दिया 3 तलाक। आवड़ा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 और कारखानों को भी चपेट में लिया, करोड़ों का नुकसान। कैमूर पुलिस ने मृत बताई जा रही महिला को यूपी के चंदौली से जिंदा बरामद किया। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में गन पॉइंट पर महिला से गैंगरेप। एसपी से गुहार के बाद दर्ज हुआ मामला। पीलीभीत में एक दिन पहले गायब हुई बच्ची का मिला शव। रेप के बाद किया गया कत्ल। राजस्थान के दौसा में घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट। गहने और कैश समेत लाखों का सामान लेकर फरार हुए लुटेरे। आजमगढ़ में एक कारोबारी पर बदमाशों ने किया था धुन फायरिंग। मुखिया के चुनाव को न लड़ने की दी धमकी। बरेली में सामने आया छोटे तलाक का मामला। शौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। झालावाड़ में डंपर ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत। सुकमा में नदी में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। 2 के शव बरामद कर लिए गए, 1 की तलाश जारी। खगड़िया में एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक में लगी भीषण आग, डूब कर जला ट्रक। कानपुर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग, लाखों का नुकसान। गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी, छापामारी में 20 लाख का गांजा बरामद। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर चला बुलडोजर। बोले सीएम शिवराज, आज कानून कर रहा है अपना काम। मुजफ्फरनगर हाईवे पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। लखनऊ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 गिरफ्तार 2 फरार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किराना कारोबारी से लूट, चाकू से हमला कर कारोबारी को किया घायल। 3 अज्ञात बदमाशों की तलाश। कानपुर में सीएमओ ने 3 अस्पतालों को किया सील, मानक पर नहीं उतरे खरे। दिवाली पर प्रदूषण से बचने की कोशिश। रायपुर में महिलाएं बना रही हैं गोबर के रंग बिरंगे इको फ्रेंडली दिए। ठंड की शुरुआत के साथ ही श्रीनगर में से जम्मू शिफ्ट हुई राजधानी। कामकाज की शुरुआत से सचिवालय पर हुआ सरकारी जलसा। हज यात्रा को सभी कर और जीएसटी से मुक्त करने की मांग। इस्लामिक सेंटर की बैठक में मौलवियों ने रखा प्रस्ताव। मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली का आयोजन। बिग बास्केट पर लगा करोड़ों ग्राहकों का डेटा लीक करने का आरोप, कंपनी पर केस दर्ज। इंदौर में शादी के लिए वीरू बन गई एक लड़की।
इंदौर में शादी के लिए वीरू बन गई एक लड़की। दिल्ली में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 7,745 नए मामले, 77 की मौत। त्योहारों में दिल्ली की ओर बढ़ सकती है मुसीबत। दिवाली से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़। देश में 24 घंटे में कोरोना के 45,903 नए केस, 490 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगी है कोरोना के मरीजों की तादाद। 24 घंटे में 555 नए मामले सामने आए। राजस्थान में नेताओं पर कोरोना का कहर जारी। बीजेपी नेता मदन ललावर और नरपत राजवी सहित 3 कोरोना पॉजिटिव। हैदराबाद को 17 रनों से हराकर पहली बार फाइनल में दिल्ली ने मारी एंट्री। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 3 विकेट पर जड़े थे 189 रन। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट ही जुटा सकी, बना 172 रन। दिल्ली की तरफ से अहम मुकाबले में चमका शिखर धवन का बल्ला, 78 रनों की खेली बेजोड़ पारी। दिल्ली की तरफ से फसिंग रोबाडा ने 29 रन देकर 4 विकेट छटके। जीत के बाद जो बाइडेन ने चर्च जाकर संडे प्रार्थना की, ट्रंप ने गोल्फ खेलकर बिताया वक्त। हार के बाद मेलानिया ट्रंप ने एक बार फिर से नतीजों पर उठाए सवाल, कहा अमेरिकी जनता निष्पक्ष चुनाव की हकदार। अपनी जीत पर कमला हैरिस ने कहा, उपराष्ट्रपति बनने वाली मैं पहली महिला जरूर हूं लेकिन आखिरी नहीं। पद संभालने से पहले कमला हैरिस ने कोरोना के प्रति जनता को किया सावधान, कहा मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ख्याल। 14 दिसंबर को इलेक्ट्रिक करेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, जनवरी में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह।